brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. भारत की इकोनॉमी रफ्तार भर रही। इस बीच विदेश से पैसा घर भेजने के मामले में प्रवासी भारतीयों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने रेमिटेंस के जरिए देश में रकम भेजने का 2023 के आखिरी तीन महीने में एनआरआई ने भारत में अपने घरों में 29 अरब डॉलर ट्रांसफर किए। ये रकम घरेलू अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। विदेश से 2023-24 की तीसरी तिमाही में आए इन 29 अरब डॉलर को अब तक का सबसे बड़ा तिमाही ओवरसीज रेमिटेंस माना जा रहा है। ओवरसीज रेमिटेंस में वो फंड शामिल होता है जिसे विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। इसके जरिए देश का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD को कम करने में मदद मिलती है। इस रकम के असर से अक्टूबर दिसंबर 2022 के 2% के मुकाबले अक्टूबर दिसंबर 2023 में CAD घटकर 1.2% रह गया। ओवरसीज रेमिटेंस में बढ़ोतरी होने की वजह फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट का बढ़ना है। जैसे ही FCNR का रिटर्न बढ़ने लगता है वैसे ही विदेशों में रहने वाले भारतीय के लिए बचत यानी डिपॉजिट ज्यादा मुनाफा कमाने का सौदा बन जाता है। भारत में अमेरिका से सबसे ज्यादा ओवरसीज रेमिटेंस आ रहा है। कोरोना महामारी के बाद से अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने सबसे ज्यादा पैसा देश में भेजा है जो कुल रकम का 23% है। इसके पहले खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा पैसे भारत भेजे जाते थे लेकिन अब वहां से पैसे आना कम हो गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रेमिटेंस हासिल करने में दुनिया भर में भारत सबसे आगे है। पिछले साल भारत को मिले ओवरसीज रेमिटेंस का आंकड़ा 100 अरब डॉलर का था। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में रेमिटेंस बढ़ने की एक बड़ी वजह कंपनियों का बेहतरीन ग्लोबल कारोबार है। इसके चलते उन्होंने अपने कर्मचारियों को जमकर बोनस बांटे। अमेरिका में दिसंबर में बोनस मिलते हैं जिनसे प्रवासी भारतीयों के पास ज्यादा रकम भेजने के लिए पैसा जमा होने का अनुमान है। रेमिटेंस पर RBI के सर्वे के मुताबिक कुल रकम में से ज्यादातर का इस्तेमाल पारिवारिक जरूरतों के लिए किया जाता है। कुछ रकम को डिपॉजिट और निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तिमाही में रेमिटेंस बढ़ने की एक वजह यह भी है कि त्योहारों और शादियों की वजह से इस दौरान प्रवासी भारतीय काफी रकम अपने घर को भेजते हैं। खैर, रुपए की कमजोरी से बेअसर रहने की वजह से भी FCNR खाते प्रवासी भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में इनमें रकम भेजना NRIs के लिए फायदेमंद का सौदा होता है और भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर, इस रिकॉर्ड पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।